नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर आप पासपोर्ट फोटो इसी प्रोसेस में आप किस तरह से कर पाएंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पासपोर्ट फोटो बनाने का बहुत सा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे, अगर आप इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक वीडियो में ही पूरा सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा किस तरह से आप इजी प्रोसेस में, मतलब सिंपल से तरीके में कम टाइम के अंदर ही आप कैसे आप एक पासपोर्ट फोटो बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में रखे गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है जो भी फोटो आप पासपोर्ट फोटो बनाना चाहते हैं, आपको उस फोटो का आपको जो है आपका जो फोटोशॉप है उसमें आपको लाना है। मैं जो फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ आपका यहाँ पे देख पा रहे हो CS3, ये फोटोशॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब कोई भी फोटोशॉप आप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका सारे फोटोशॉप में एक ही जैसा ही है, आपको सिर्फ जो है गेटअप थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन फोटोशॉप का सारा काम एक ही जैसा है। इसलिए आप जो है इस वीडियो का अगर आप देखेंगे तो आप जो भी आपका फोटोशॉप है उसमें आप काम कर पाएंगे। तो फोटो को आपको लाने के लिए आपको मालूम है तो अच्छा, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो है यहाँ पे फाइल में जाके आपको ओपन में जाना होगा, जाके यहाँ पे जहाँ पे आपको फोटो है तो आपको वो फाइल आपको चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ही फोटो रखा हुआ हूँ, मैं यहाँ से एक फ़ोटो ला के आपको दिखा देता हूँ, जो फोटो मैं पासपोर्ट फोटो बना के दिखाऊंगा। मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, इसको आप उसके बाद सिलेक्ट करके आपको ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वो फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इस फोटो को आपको जो है पासपोर्ट फोटो किस तरह से बनाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो फोटो आप पासपोर्ट फोटो बनाएंगे उसको आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आपको जो है जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि इसको जो है क्रॉप करना है। पहला स्टेप है जो भी फोटो आप पासपोर्ट फोटो बनाएंगे उसको आपको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्रॉप टूल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हाइट और वेट, यहाँ पे वेट देख पा रहे हो और हाइट यहाँ पे ऑप्शन है, और रेजुलेशन, ये तीनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आप इसको पासपोर्ट फोटो जब बनाएंगे आपको जो है ये पे सेमी पे आपको रखना है, कितना सेमी वेट और कितना सेमी हाइट में आप करना चाहते हो आपको वो दे देना है। तो ज़्यादातर पासपोर्ट फोटो 2.5 सेमी और हाइट में 3.5 सेमी आपको रखना चाहिए, और रेजुलेशन आपको जो है यहाँ पे 300 पे आपको रखना चाहिए। तो ही जो है फोटो का जो है रेजुलेशन वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2.6 रखा हुआ हूँ तो वेथ में, तो आप 2.6 और 3.5 रख के आप जो है फोटो बना सकते हैं। तो ये भी कोई बात नहीं, जो भी काम है सारे काम पे ये चल जाएगा इंडिया में, जो भी काम के लिए आप देना चाहते हैं तो ये पासपोर्ट फोटो। तो चलिए ये जो है सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। इस तरह से आप ड्रैग करके आपको ये फोटो जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है और फोटो खींचने का भी एक तरीका होता है, मैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फोटो क्रॉप करोगे और या इस तरह से आपको जो है फोटो को क्रॉप करने के लिए आपको जो है ऊपर में थोड़ा सा स्पेस रखना होगा और नीचे आपका जो है इस तरह से पूरा मुंह आपका जो है दिखना चाहिए और जो दोनों कान है वो भी दिखना चाहिए फोटो के अंदर। ये जो है जो रूल्स होता है पासपोर्ट फोटो का वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों कान आपको दिखना चाहिए फोटो में और इस तरह से छाती के मिडिल पॉइंट तक आपको जो है फोटो में लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है सिलेक्ट करके आपको जो है एंटर कर देना है। उसके बाद जो है फोटो क्रॉप हो जाएगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपका जो भी बैकग्राउंड है आपको बैकग्राउंड कलर आपको जो है चेंज करना है, कोई भी कलर आप देना चाहते हो उसके लिए आपको जो है बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करके आपको जो है बैकग्राउंड चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारा लिखा हुआ है और कलर भी अलग अलग है। तो ये इसको मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से चेंज करते हैं। अगर आपका बैक कलर सेम कलर है तो बहुत आसानी होगा आपको चेंज करने में। अगर बैक कलर में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ है, अलग अलग कलर है, तो उसको जो है चेंज करने में, तो सिलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊँगा बैकग्राउंड जो है रिमूव करने का। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तीनों ऑप्शन में ये जो मिडिल का ऑप्शन है ये ऐड करने का ऑप्शन है। मैं जो भी आप सिलेक्ट करोगे, अब दूसरी बार अगर आप क्लिक करते हो करेंगे तो अब जो है ये ऐड होता रहेगा इस तरह से जितनी चाहे। तो मैं ये पहले ऐड कर लेता हूँ, जितनी बार क्लिक करोगे और जो भी कलर है वो अपना आप ऐड होता चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो चुका है, इसको आपको थोड़ा सा बाहर करना है। इसके लिए आपको जो है ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक बार आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जितना जगह ज़्यादा आ गया है सिलेक्ट हो गया है उसको उसी जगह पर आपको जो है दोबारा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो है बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। अब जो है इसको
जो है बैकग्राउंड कलर जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पे कलर देख सकते हैं, दो कलर दिया है, ये है फोरग्राउंड कलर जो रेड में है और ब्लू में जो है ये बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कलर चेंज करना होगा। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है जो भी कलर देना चाहते हैं वही आपको बैकग्राउंड में यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना है। अब इसमें से कोई एक कलर आप रखना चाहते हैं तो आपको इसी में आपको जाके कुछ नहीं सिर्फ यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है। ये ऑल्ट की दबा के भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे खुद भी मेरा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ऑल्ट की दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो है सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है। अब अगर यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो अब अगर आप इस कलर को पूरा बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से लगा पाओगे, ये मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। अब कंट्रोल को आपको दबा रखना है और यहाँ पर डिलीट की आपको प्रेस कर देना है तो जो है सारे जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव होकर ये कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया है, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, वो ज़्यादा इससे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वाला जिस तरह से था वो मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिसलेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्शन ऑप्शन में जाके बाहर पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है सिलेक्शन आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बैक कलर आपको जो है हटाने के लिए आपको जो है सिर्फ कुछ नहीं, इरेजर टूल आपको देख सकते हैं यहाँ पर इरेजर टूल आपको यूज़ करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है इसको छोटा कर लेना है और आपका जो फोटो है आपको जूम कर लेना है, क्योंकि अगर जूम करोगे तो ये अच्छे से आप इसको रिमूव कर पाएंगे। तो जो भी एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ये कलर दिया हुआ है इसलिए बैकग्राउंड कलर में ये कलर आ रहा है। आप चाहे तो इस कलर को आप चेंज करके आप जो भी कलर, अब मैं यहाँ पर व्हाइट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर व्हाइट आ चुका है तो आपको यहाँ पर व्हाइट दे के मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाले एरिया को आपको धीरे से अच्छे से आपको रिमूव कर देना है सारे सिलेक्शन करके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जो है पासपोर्ट फोटो बहुत छोटा फोटो होता है, अगर बड़ा फोटो होगा पोस्ट कार्ड या A4 साइज का अगर इस तरह से रिमूव करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पासपोर्ट फोटो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम में ही ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर करके उसको भी देखने का मौका दीजिए, वो भी सीख सकते हैं आपको भी जो ये है एक शेयर से। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये आपको कहीं पे भी पेड करके मतलब पैसा देके आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही वीडियो में आपको जो है पासपोर्ट फोटो बनाने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। इस तरह से सिर्फ आपको जो है ड्रैग करके आपको खींच देना है ऊपर से। अब क्या करना है, हो गया, इसको जो है बाहर का जो एरिया है इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेंगे और एक साथ आप जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है तो कंट्रोल जेड आप मार सकते हैं और कंट्रोल जेड मारेंगे तो एक बार ही बैक होगा। आप ऑल्ट कंट्रोल जेड एक साथ प्रेस करेंगे तो जो है ज़्यादा टाइम आप बैक प्रेस आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो शॉर्टकट की आपको जो है याद रखना है टाइम बचाने के लिए, शॉर्टकट की अगर आप याद रखेंगे तो वो है बहुत ही आसान, कम टाइम के अंदर आप जो है एक पासपोर्ट फोटो बना पाएंगे। देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। अब जो है इसका जो है बाहर का एरिया जो है अब देख पा रहे हो इसका बाल जो है यहाँ पे, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो ये जो है क्रॉप मैंने किस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड कलर। तो इसको हटाने के लिए आप जो है फिर से एक बार आपको सिलेक्शन कर लेना है, मैं ये भी बता देता हूँ। इस तरह से आप सिलेक्शन करोगे तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस में मैंने सिलेक्शन एप्स सब्सट्रैक्ट में सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। आपको जो है ऐड में आपको यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्शन में सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो यहाँ पर ऐड हो रहा है। कहीं पर भी अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको इस तरह से बाहर कर देना है। अब उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो फीडर का ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फीडर, यहाँ पे आप 3 पिक्सल या 5 पिक्सल कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 पिक्सल रख रहे हूँ। उसके बाद आपको जो है कंट्रोल जेड दबा देना है एक बार या दो बार, कोई भी आप एक बार बार दे सकते हैं, दो बार मैं दे रहा हूँ। तो उसके बाद आपको जो है डिसलेक्ट आपको इसको कर देना है। आप देख पाओगे आपको ये छोटा कर देंगे तो आपको जो है ये आप देख पाएंगे, आपको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसका जो है कटअप काट जो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने इस तरह से कट किया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
इसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर मैंने पहले जिस तरह से क्रॉप किया था मैं उस तरह से आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से फोटो एक बार ला दे रहा हूँ। ये लोग क्रॉप हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले सिलेक्ट किया उसी तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा हो गया है तो इस तरह से माइनस में सिलेक्ट करके बाहर करता है। अगर ज़्यादा और एक बार यहाँ पे दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने जिस तरह से बताया आपको जो है कलर सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे इस कलर को ही मैं बैकग्राउंड में दूंगा। तो कलर लेके कंट्रोल जेड एक साथ मार देना है। तो अब देख सकते हैं ये जो है कट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आप ज़्यादा समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह से किया। यहाँ पे देख सकते हैं खच 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 आपको जो है पता चल रहा है, ये जो बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ठीक करने के लिए फिर से आपको जो है मैंने जो जिस तरह से बताया वही करना है आपको जो है। यहाँ पे फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिदर में जाना है और यहाँ पर ओके पे 3 पिक्सल देके आपको जो ओके कर देना है। और यहाँ पर मैं 2 बार कंट्रोल जेड कंट्रोल डिलीट आपको 2 बार दे देना है। आप इसको यहाँ पे डिसलीट करेंगे तो आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो है बैकग्राउंड ठीक से आपको जो है खांच खांच पता नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा सा और ये जो पासपोर्ट फोटो ये तो छोटा होता है, इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे तो जो है आप देख नहीं पाओगे, बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड। तो ये एक हो गया है, तो और एक मैं बताता हूँ। चलिए मैं फिर से वही ऑप्शन में आ जाता हूँ। चलिए मैं इस तरह से अगर आपका हुआ है तो और एक ऑप्शन है, मैं उसके लिए आपको जो है यहाँ पे ब्लू टूल आपको मिल जाएगा। ब्लू टूल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है पहले वाला ऑप्शन में ब्लू टूल आपको दिखाई देगा, इसको आपको लेना है। और यहाँ पे आप जो है इसको घटा भी बढ़ा भी सकते हैं, किस तरह से आप लेना है। तो चलिए इसको आपको जो है कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको जो है ड्रैग करना है, सिर्फ ड्रैग करना है। तो आपको आप देख सकते हैं जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो जो है इसके साथ घुल मिल जा रहा है और यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कुछ भी। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही फ़ोटो का आपको जो है गेटअप अच्छा लगेगा, फ़ोटो देखने में तो कस्टमर का भी जो भी है पसंद बहुत अच्छा पसंद आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर इसको ड्रैग करके इसको जो है यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ही टाइम लगता है, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप खुद करोगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी भी बहुत कुछ चीज़ बाकी है, मैं आपको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, मैंने ये जो है बैकग्राउंड चेंज किया है, अलग था मैंने इसको अलग किया है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो बाल है इसको आप बहुत सी बाल के काला या अलग सा लाइट रहता है तो आपको जो है बाल काला करने के लिए आपको जो है यहाँ पे बर्न टूल होगा, इसके ऊपर देख पा सकते हो। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बर्न टूल मिडिल में आपको दिख जाएगा। बर्न टूल लेके आपको इसके ऊपर आपको ड्रैग करेंगे तो जो है बाल काला हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काला हो रहा है बाल, जहाँ पर भी आप रखेंगे बाल काला हो जाएगा, ड्रैग करोगे जहाँ पे भी। तो चलिए बाल काला हो गया। और भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका जो है जो भी अगर मुंह में कोई भी अगर दाग वगैरह है तो उसको हटाना किस तरह से है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा दाग है, इसको हटाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हटाने के लिए आपको जो है यहाँ पर ब्रश टूल यूज़ करना है, यहाँ पर देख सकते हो ब्रश टूल, यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन में ही है ब्रश टूल, राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ब्रश टूल लेना है आपको, यहाँ पे हटाना है तो इसके पास का एरिया जो है यहाँ पे कलर, यहाँ पे जो है फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे जो रेड है इसको आपको इस कलर कर देना है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट की आपको प्रेस करके रखना है, ऑल्ट की, उसके बाद यहाँ पे इसका बगल का एरिया का जो कलर है उसको आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड में ये कलर आ चुका है। अब जो है इस कलर को यहाँ पे आपको क्लिक करके दे देना है 2 बार 3 बार जितने टाइम लगेगा। यहाँ से जो है
कैपेसिटी और फ्लो आप बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, जितना आप देना चाहते हैं दे के आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हट गया है और आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई तिल वगैरह कुछ भी यहाँ पे था या फोटो ख़राब हो, अगर ख़राब भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको इस तरह से बगल का कलर देके आप फ़ोटो को ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा आप काला करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ काला कलर यहाँ पे और यहाँ पे और एक दे देता हूँ यहाँ पे। तो समझ लीजिए यहाँ पे फोटो ख़राब हो चुका है ये जगह पे, इसको आपको ठीक करना है। अगर अब इसको आप देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा आपको। ठीक करने के लिए किस तरह से ठीक करना है, आपको थोड़ा सा फ़ोटो जूम कर लेना है, मैंने जिस तरह से बताया आपको जो है यहाँ पे ब्रश टू ले लेना है और इसका जो बगल का जो एरिया है इसका कलर आपको ले लेना है क्योंकि ये कलर ही इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ले लेता हूँ कलर, आपको जो है ऑल्ट की देके क्लिक कर देके ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है। अब इसके ऊपर आपको ड्रैग कर देना है एक बार दो बार तीन बार जितने आप चाहे तो इसको बड़ा करके भी आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है, अब पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ का कलर आपको ले लेना है, उस फिर से आपको जो है ऑल्ट की आपको प्रेस करके रखना है, प्रेस करके आप जो है यहाँ पे कलर आ गया है, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जितनी चाहे आप दे सकते हैं, हो गया है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दे देना है, उसके बाद ऑल्ट की क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे कलर पिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है ड्रैग कर देना है, क्लिक करके अब जो है हट गया है। अब इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ और एक जगह पे है इसको भी मैं कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ का कलर आपको ले लेना है, इसके बाद इसके लिए ऑल्ट की प्रेस करके रखना है और यहाँ पे कलर अप्लाई कर देना है, देख सकते हो गया है, ये जो है बन गया है फोटो अच्छे तरीके से। आपका आप जो है कलर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होता है सारे फोटो में, ये फोटो में थोड़ा सा ठीक ही है, तो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो है इमेज में जाना होगा, एडजस्टमेंट में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्टिव कलर ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है और यहाँ पे कलर में आप देख सकते हैं बहुत सारा कलर है, कोई भी कलर आप अगर घटा या बढ़ा सकते हैं। मैं रेड यहाँ पे जो है ब्लैक इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, जो फोटो जो है ये देख सकते हैं क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे येलो का जो कलर है येलो कलर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं येलो कलर हट जा रहा है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे मैग्नेटा भी थोड़ा सा हट रहा हूँ, मैं इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जो है हो गया इसका काम, अब चाहे तो कोई भी और अगर फोटो ख़राब है तो आप कलर थोड़ा सा बड़ा कमा सकते हैं। उसके बाद आपके फिर से आपको इमेज में जाना होगा, एडजस्टमेंट में जाके आपको जो है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ये वाला जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस अगर अच्छा अब दे जितने चाहे कोशिश करें अब अच्छे से आप दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ और कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो अपने हिसाब से आप कर दीजिएगा जितना आपका मर्जी। उसके बाद आपको ओके कर देना है। कलर के लिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और ज़्यादातर पासपोर्ट फोटो के लिए नहीं लगता है ये, अगर आप बड़ा फोटो बनाते हैं उसके लिए आपको जो है अलग से आपको सीखना होगा, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये जो मैंने बताया है यही आपको करना है। अगर आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो बनाना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ह्यू एंड सिचुएशन सैचुरेशन, तो अगर आप यहाँ पे इसको ब्लैक में ब्लैक एंड व्हाइट में फ़ोटो बेर तो इस फोटो को अगर आप ब्लैक व्हाइट में बेर अगर आप इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना चाहते हैं वो भी आप भाई आपको बता देते हैं किस तरह से आप कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो ह्यू एंड सैचुरेशन इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो है सैचुरेशन इसको आपको घटा देना है, अब आपको ओके कर देना है। अब ये फोटो आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब जो है ज़्यादातर फोटो कलर में ही होता है, तो मैं कलर में यहाँ पे आपको प्रिंट करके मैं बता देता हूँ। अब जो है फोटो तो रेडी हो गया आपका, इसका जो है बॉर्डर में एक आपको जो है स्ट्रोक देना है, वो क्या है अब जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं पहले इसको सजा के देख देता हूँ किस तरह से आता है। मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4:6 में एक पेज ले लेता हूँ मैं।
अब इसको यहाँ पे सजाने के लिए, प्रिंट करने से पहले आपको जो है सजाना होता है। सजाने के लिए आपको जो है यहाँ पे मूव टूल है, इसको ऊपर आपको क्लिक करके आपको इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देना आता है। तो ये जो है फोटो इस तरह से आ जाता है। तो एक फ़ोटो से ही आपको कॉपी करके आप जितना चाहे फ़ोटो आप बना सकते हैं। आप चाहे तो A4 में भी आप कर सकते हैं, 4:6 में भी कर सकते हैं, जो भी पेपर आपका, जो भी प्रिंटर है उसी तरह से, उस हिसाब से आपको सजाना होगा। तो चलिए फोटो आ गया है। इस फोटो को आपको जो है एक फ़ोटो को कॉपी करके आपको बहुत सारा फ़ोटो बनाना है। तो उसके लिए आपको सजाने के लिए आपको जो है यहाँ पे जो है एक देख पा रहे हो यहाँ पे रूलर दिया हुआ है। अगर आपके पास इस तरह सा इसके ऊपर मैं अगर आप ड्रैग करके आओगे लाओगे तो इस तरह से एक लाइन आ जाता है, इसके ऊपर फोटो ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। आप यहाँ पे जो भी इसके लिए सजाना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का रूलर नहीं है आपको फोटोशॉप में, तो आपको उसको लाने के लिए आपको जो है व्यू में जाना होगा। यहाँ पर रूलर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहे हो यहाँ पर मैं हटा दिया है, फिर से मैं लाऊँगा रूलर ऑप्शन। यहाँ पर रूलर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। तो इसको हटाने के लिए फिर से आपको इसके ऊपर रख के आपको इसके ऊपर छोड़ देना होगा, ये जो है हट जाएगा। तो मैं फिर से ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक फ़ोटो के ऊपर मैंने यहाँ पे ला दिया है। तो मैं अभी इसके ऊपर मैं नहीं अप्लाई करूँगा, मैं इसका जो है स्ट्रोक में आपको किस तरह से देना है वो मैं बता देता हूँ। स्ट्रोक देने के लिए आपको जो है एडिट में जाना होगा, स्ट्रोक यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप किस कलर में स्ट्रोक देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले आपको जो है कलर चूज़ करना है। मैं रेड में देना चाहता हूँ, क्योंकि रेड देंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा दिखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पे पिक्सल में 3-4 कोई भी आप रख सकते हैं, 2 आपका जितनी हिसाब से जितनी चाहे आप देखिए, आपको जो है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का जो है बॉर्डर कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आपको जो है सारे फ़ोटो को दे देना है, ये भी कस्टमर की बहुत अच्छा पसंद आ जाएगा। तो चलिए स्ट्रोक आ गया है, इसके बाद जो स्टेप है इसको सजाना है। मैं यहाँ पर लाइन ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर सजाना है। एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर रख दिया, उसके बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको जो है सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके रखना है और प्रेस करके रखना है, प्रेस करके छोड़ नहीं देना है। प्रेस करके आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके इसको बाहर लाके यहाँ पे रख देना है। हो गया दोनों। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको जो है ऑल्ट की प्रेस करके आपको इसको ड्रैग करके इस तरह से छोड़ देना है। अब एक साथ 3 पिक्चर आ गया है, 3 फोटो। अब चाहे बहुत ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको जो है यहाँ पर लेयर दिख रहे हैं, ये लेयर को एक साथ लाना है। तो उसके लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1, 2, 3 लेयर यहाँ पे आया हुआ हो, 3 लेयर है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, आपको कंट्रोल पी की प्रेस करना है और उसके बाद ई को दबाना है, ई एक बार 2 बार। मैंने 2 बार दबा दिया, एक लेयर 1 में सारे फ़ोटो आ गए। अगर आप एक साथ एक्स को हटाएंगे तो एक साथ ही सारे फ़ोटो हटाएंगे, क्योंकि ये एक लेयर के अंदर आ चुका है 3 फ़ोटो। उसके बाद आपको 3 फ़ोटो एक साथ आप कॉपी कर सकते हैं, 3 फ़ोटो, 4 फ़ोटो, 5 फ़ोटो, जितनी चाहे आप अगर एक लेयर में है तो उतने सारे फ़ोटो को एक साथ कॉपी कर सकते हैं। तो एक इसको मैं एक साथ ही कॉपी करूंगा। इसके लिए आपको जो है ऑल्ट की फिर से आपको प्रेस करना है और ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं एक बार में 3 फ़ोटो कॉपी हो चुका है। अगर आप चाहे इस 3 जो 6 फ़ोटो हुआ है इसको भी एक साथ कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो लेयर है ये दोनों लेयर के फिर से एक लेयर में लाना होगा। इसके लिए आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है और उसके बाद जो है देख, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके आपको जो है ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं एक साथ 6 फोटो है वो जो है कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पे बाहर आ चुका है, तो मैं 6 फोटो नहीं कॉपी करूँगा। इसके लिए मैं कंट्रोल जेड देके मैं बैक पेज दे रहा हूँ और यहाँ पर भी बैक दे रहा हूँ और यहाँ पर इस फोटो को और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस 3 फोटो को। इसके लिए ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख दूँ, मैंने बैक पेस किया और यहाँ पे देख पा रहे हो लेयर फिर से 3 लेयर पे आ चुका है। इसको फिर से आप कॉपी एक साथ आपको लाना है, कंट्रोल ई आपको प्रेस करना है और एक बार प्रेस करना है। आप देख सकते हो एक साथ आ चुका है। आप जो है सारे फ़ोटो को एक साथ कहीं पर भी आप रख के आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट किस तरह से करना है ये आपको तो मालूम ही, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। प्रिंट करने के लिए आपको जो है फाइल में जाना होगा और यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेंटर इमेज, इसके ऊपर टिक मार्क आपको रखना है, स्केल टू फिट मीडिया, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है प्रिंट पे जाके आपको जो है प्रेफरेंस में आपको जाना होगा। ये प्रेफरेंस आपको पहले से ही ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो आपको जो है प्रेफरेंस में जाके आपको ये जो है पेपर एंड क्वालिटी में आपको जाना होगा। यहाँ से जो है आपको पेपर सिलेक्ट करना है, कौन सा पेपर में आप प्रिंट करना चाहते हो। अगर HP फोटो पेपर है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में आपको देना है और यहाँ पे कलर में रखना है। और यहाँ पे आप कौन सा पेपर देना चाहते हो, एडवांस में जाके यहाँ से आप पेपर कोई भी, जो भी पेपर आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर 4:6 में यहाँ पे मैंने दिखाया तो इसके लिए 4:6 यहाँ पे रख रहे हो। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है और फिर से यहाँ पे ओके पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है फ़ोटो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा।
तो दोस्तों मैं ये फोटो प्रिंट नहीं करूँगा, ये आपको सिखाने के पर्पज़ में मैंने यूज़ किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।